बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं सेठ घासीलाल वड़ा पाव का वड़ा पाव खाने। अभी जैसा कि आपको पता है मैं कोई रिव्यूअर फूड रिव्यूअर हूँ नहीं, बट वड़ा पाव का टेस्ट समझ में आता है अपने को। सो लेट्स सी, अभी टाइम हुआ है 2:45 और पी कार्स ख़त्म हो चुके हैं। हम लोग जानबूझ के पी कार छोड़ के जा रहे हैं ताकि शूट अच्छे से हो यार, गर्दी ना मिले ज़्यादा। सो थिंग वहाँ चल के ही बात करते हैं अभी, लेट्स गो। Alright guys, we have reached सेठ घासीलाल वड़ा पाव। आप मेरे पीछे देख सकते हो गर्मा गर्म वड़े बन रहे हैं। तुमका नाम है? मेरा नाम पंकज वैनाडे। पंकज वैनाडे, ये हमको इन्फॉर्मेशन देने वाले हॉट वड़े। बड़े बड़े यहाँ का स्पेशलिटी है, वड़ा एकदम बड़ा होता है। हॉटेल है आमच्या इथे 1819 मध्ये झाला होता, मसाले पाव म्हणतात आधी। ओके, फेमस आहे का तो पण? शुद्ध शेंगदाणा तेलातच हो का हे सेठ घासीलाल पंजोबा? बर, पहिले घासीलाल शेठ, दुसरे रामदास शेठ, मग अच्छा बर बर। फॅमिली बिझनेस एकदम मस्त मस्त। अच्छा अच्छा, अरे मस्त। अरे मस्त, जिलेबी पण चालू आहे गाइस, मस्त जिलेबी आणि भाजीचे शेव, काठी शेव, खांद्याची स्पेशल शेव भाजी प्रसिद्ध आहे। हा हा, हे शेव आहे। बर बर, अच्छा ही भाजीतली शेव? अच्छा, नमकीन असं? बरोबर, चकना आयटम? चकना आयटम। हे शेठ काका, हे अच्छा नमस्ते। 1, 2, 3 बर बर, 4 आणि 5 बाहेर उभा आहे। बर, मस्त। कैसा टेस्ट, अच्छा लग रहा है? बड़े हमेशा आते हो आप? मस्त है ना भाई, बस साइज देखो वड़े का। और यहाँ पे भी एक वड़ा 100 ग्राम, बाप रे, 18 रुपीज, 1 वड़ा 2 पाव। ओके, गुळाची गरम गरम एक 8-10 दिवसांनी येतो, 10-12 दिवसांनी येतो पुण्यात गेला। कांदा मसाला का? बर बर,
भाई मजा आ गया. कड़क वड़ा पाव वॉज ऐक्चुअली वेरी नाइस. इतपत मी ऐकलं लोक म्हणतात की आता एवढ्या वर्षांपासून चालू आहे वगैरे, तर कधी कधी होतं ते टेस्ट आता नाही राहिली पहिल्यासारखी वगैरे, पण इथे तसं नाही वाटत मला. टेस्ट इज देअर, सिगरेट आहे का ते सांगू नाही शकत. राईट, मॅ अभि 3:30 हो गए फिर भी इधर कंटिन्युअसली गर्दी चालू आहे. असंच तुमचा धंदा वाढत राहू. बरं, गुगल पे चालू आहे. शिवचिवडा एक्सपोर्ट होतं. बर, नाही अच्छा. साताऱ्यातले जे खवळेगिरी हां ते ना त्याचा माल शिवचिवडा. थँक्यू, मजा आली. आणि थँक्यू दादा इन्फॉर्मेशनसाठी, टेस्ट ऑसम होती. तुमचं नाव काय बोलायला? पंकज वयनाडे. थँक्यू पंकज, चला येऊ मग. थँक्यू. देखो गर्दी, देखो गर्दी, देखो ये टेस्ट का कमाल होता है, बाकी कुछ नहीं. एकदम बेस्ट वाला है आपला. वड्याचा मसाला पण भेटतो. आणि हे काय पूर्व तयारी इथे का समोर? बर, हे दोन गोडाऊन आहे. अच्छा, दोन गोडाऊन आहे. हे आमचे मोठे भाऊ इथे, आमचे श्याम भाऊ अग्रवाल आले. शेवान मसाला बनतो. नमस्ते. चार भाऊ. अच्छा अच्छा, चार ही तीन तीन महिने जमा. ऑलराइट गाइस, विद दैट सेड आई थिंक आई विल एंड दिस. क्या लोग थे यार, हाउ दैट, क्या लोग थे, अच्छे लोग है यहाँ पे एक्चुअली. और टेस्ट अच्छा था, मेन टेस्ट अच्छा था, क्वालिटी है. अभी आई रियली कैन नॉट डिसाइड बंडू का अच्छा था या ये वाला अच्छा था, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ. कमेंट्स में मुझे प्लीज बताना, क्योंकि मेरे वो दोनों अच्छे लगे, फ्रेंकली स्पीकिंग. हर आदमी की चॉइस है, लेकिन ये बहुत पुरानी है. हाँ वो है, पीढ़ी बोला उन्होंने. इनका सेटअप बहुत अच्छा था, बड़ा था, अंदर बैठने को जगह वगैरह था. तो ये हाँ, विद दैट सेड वी विल एंड दिस वीडियो टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो. मेरे तो मतलब मज़ा आ गया. वड़ा पाव अपना फेवरेट है. राइट, सब्सक्राइब का बटन दबाओ. आए तो ट्राई करो. डू ट्राई मस्ट ट्राई, डेफिनेटली. घासीलाल नाम ही काफ़ी है. इनका फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट है. रात में अगर आपको कम खाना हो, उसके दो वड़े खाली है, रात को खाना खाने की जरूरत नहीं, कोई तकलीफ होती नहीं, नहीं होती है, आराम से खा सकते हैं. मतलब पेट को में कोई तकलीफ परेशानी नहीं. इनका मसाला लेकिन अलग था, डेफिनेटली नॉट, उसका टेस्ट भी अलग है. नॉर्मल स्टैंडर्ड वड़ा पाव जो होता है ना, वैसा नहीं था, अलग था, काफी अच्छा था, लेकिन अच्छे वे में अलग था. विद दैट सेड आई एल एंड दिस. थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन. टाटा. जय गांधी, जय गांधी.